ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ पहली बार किसी फिल्म में साथ काम करते पर्दे पर नजर आएंगे। फिल्म का नाम तो अभी तय नहीं हो पाया है, लेकिन डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद के नाम पर मुहर लग चुकी है। फिल्म की शूटिंग इस समय मुंबई में चल रही है। पर अब आप सोच रहे होंगे कि हम आज क्राइम तक पर आपको फिल्मी दुनिया की सैर क्यों करा रहे हैं। तो इससे पहले कि आप ज्यादा सोच विचार करें, हम आपको बता दें, इस फिल्म के सेट पर कुछ ऐसा हुआ जिससे कुछ देर के लिए मुंबई पुलिस के हाथ पांव फूल गए और मुंबई पुलिस को याद आ गया 26/11 का दिन। दरअसल मुंबई पुलिस को फिल्म के सेट पर अचानक दो आतंकवादी दिखने की खबर मिली, जिसके बाद पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई। पुलिस ने आसपास के 7 पुलिस थानों को अलर्ट किया और कथित आतंकियों की तलाश में छानबीन शुरू कर दी। नाके पर लगे सीसीटीवी की मदद से पुलिस उन तक पहुंचने में कामयाब रही, जिसके बाद उनसे पूछताछ की गई तो असल कहानी का खुलासा हुआ। आतंकियों ने जो खुलासा किया वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल ये दोनों कोई आतंकी नहीं बल्कि टाइगर और ऋतिक की फिल्म में काम करने वाले कलाकार थे। इन दोनों ने बताया कि ये सेट पर टिफिन लेकर नहीं आए थे, जिस वजह से ये बाहर खाने का कुछ सामान खरीदने गए। तभी वहां खड़े एक आदमी ने देखा कि एक आतंकी जैसा लगता आदमी सिगरेट खरीद रहा है और दूसरा वैन में उसका इंतजार कर रहा है। आतंकी की वेशभूषा में देखकर एक शख्स को कुछ गड़बड़ी लगी तो उसने पुलिस को सूचना दे दी। फिलहाल पुलिस ने फिल्म के सेट पर जाकर प्रोडक्शन यूनिट से कलाकारों के बयानों की तस्दीक की और दोनों कलाकारों के खिलाफ दहशत पैदा करने और शांति को भंग करने की धारा में चालान काटा। हो सकता है बहुत से लोगों को इस बात पर हंसी आए, कुछ लोग इसका मजाक भी बनाए, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस आदमी ने इस बात की जानकारी पुलिस को दी उसने अपने एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज बखूबी निभाया है। और मुंबई पुलिस ने इस खबर पर मुस्तैदी दिखाते हुए जो कार्रवाई की वो भी काबिले तारीफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।